ये कंगन पहना के मैंने तुम्हें सारी जिंदगी के लिए कैद कर लिया, आप निकल नहीं पाओगे इस कैद से। लेकिन हमने तो कोई अदले बदले की शर्त लगा कर ये शादी नहीं की। आपने नहीं की ना, हो सकता है उन्होंने की हो। कमाल कर दिया, माइंड ब्लोइंग। पता है बाबा जान से बेहतर पुलाव बनाया आपने। शानो पता है शहजीन के जाने के बाद लगता है तुम मुझसे दोबारा जुदा हो गई। जो तुम्हारा अक्स है जिसे देखकर मैं जीता हूं, अब वो पढ़ाई हो गई। अब तो वो मेहमान बनकर आया करेगी इस घर में। वैसे शानो तुम तो खुश हो ना, हम्माद बहुत अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो उन लोगों को। और सबसे बढ़कर यह कि यह हमारी बेटी की खुशी थी। अल्लाह हमारी बेटी को हमेशा आबाद रखे। खाना तो आज बहुत मजेदार बनाया था। थैंक यू निशु। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों है? मम्मी की बीमारी बढ़ती जा रही है और मायूसी भी। किस बात की मायूसी? वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द मेरी शादी कर, जिसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो समझाओ उन्हें कि उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। वो अब इन तसल्लियों से नहीं बहलती, बल्कि कल उन्होंने कोई रिश्ते वाली बुलाई हुई थी ताकि जल्द से जल्द मेरा कोई अच्छा रिश्ता बन सके, क्योंकि खानदान के सारे अच्छे लड़कों की तो चाहती हो चुकी। ये तुम क्या कह रही निशु, उन्होंने रिश्ते वाली को बुला लिया और तुमने कुछ नहीं कहा? क्या कहूं कि बहुत जल्द आमिर मुझसे शादी करेगा, जब भी उसका मूड होगा या जब भी उसके घर वाले मानेंगे, ये कहूं? ऐसी बात नहीं है निशु, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुमसे वादा किया मैंने कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना नहीं। कब आऊं? अम्मी ने साफ साफ कह दिया है जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो मेरी शादी करती है। रिश्ते वाली भी तसल्ली दिला दी गई है कि दो चार हफ्ते में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम इनकार कर दो। तुम जानती हो निशु मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ओके, इस उम्मीद पर मना कर दो। तुमने तो अभी तक अपने घर वालों से बात तक नहीं की। मैंने कम से कम अपनी माँ से बात तो कर ली, उन्हें मना तो लिया है। वो बस चाहती है जल्द से जल्द तुम्हारी मेरी शादी हो जाए, वो इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें पता है। देखो आमिर, अगर तुम्हें वाकई मुझसे शादी करनी है तो रिश्ता लेकर आओ, वरना भूल जाओ मुझे। कल तक सारी डिलीवरी हो जानी चाहिए मुश्ताक, तभी तो हम, गोदाम खाली होगा तो उसमें दूसरा माल भरेंगे। हाँ अच्छा सुनो, कल मैं आता हूं तो मिलकर मार्केट भी जाएंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाबा चाय लाओ। लगता है बाबा पुलाव वाली बात पे अब तक नाराज है मुझसे। बाबा आप नाराज हैं मुझसे? क्यों भाई, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? पुलाव वाली बात पर बाबा मेरा यकीन करें, मैंने पुलाव खुद ही बनाया था, मम्मी से तो सिर्फ रेसिपी पूछी थी। अगर खुद बनाया था तो इतनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। कौन कौन सी गलतफहमियां दूर करोगी तुम मेरी?
ये हमारी आजकल की नई जनरेशन जो है ना बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाती, बहुत बुरी बात है। मैं तुम्हें ना जबरदस्ती काट काट कर खिलाऊंगी, स्किन अच्छी होती है इससे। मैं खाती तो हूँ मम्मी। देखा नहीं, आ जाओ बेटा फ्रूट खाओ थोड़ा सा। नहीं चाय भी नहीं है मुझे। मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, अभी थोड़ी काम करवाऊंगी मैं तुमसे। मम्मी कोई तो ज्यादा काम थोड़ी है, सिर्फ चाय तो बनानी है, मैं बना देती हूँ। ठीक है तो कह रही है बना देगी चाय। बिल्कुल भी नहीं, इतना स्टाफ है घर में फिर मेरी बहू क्यों काम करेगी भला, और कम से कम 6 महीने तो बिल्कुल भी शहजीन कोई काम नहीं करेगी। हाँ उसके बाद मैं खीर पकाई की रस्म करवाऊंगी, और फिर अगर इसका दिल चाहे तो छोटे मोटे काम कर ले। लेकिन मुझे तो खीर बनाना नहीं आती। क्या तुम्हें खीर बनानी, मम्मी इसको खीर तक बनानी नहीं आती। स्टॉप इट, क्यों उसको एम्बैरस कर रहे हो मेरे सामने। कोई बात नहीं, मुझे तो आती है खीर बनानी, मैं खीर बनाऊंगी और तुम सिर्फ चम्मच चला देना। ओह इतनी जल्दी आप दोनों ने टीम अप कर लिया। जी तुम बैठो मैं चाय भिजवाती हूं। ओके। क्या खीर बनाना नहीं आती तुमने, खामखाई मम्मी के सामने मुझे एम्बैरस कर दिया। तुम जानते हो ना कि मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। मजाक कर रहा था यार। अच्छा अब कौन सा फ्रूट काट के दूं आपको? एप्पल, एप्पल तो आप खा रही हैं, कीनू, कीनू खाएंगी? एप्पल काट, एप्पल ही काट देता हूं। सही से काटना है। ठीक है ये ठीक से काट। तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो बेटा, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी हूँ। बस सब फौरी तौर पर मैं ना शाबा की शादी करना चाहती हूँ। क्या हो गया अम्मी आपको, क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रही हैं? बेटा मौत एक हकीकत है, उसे तस्लीम करना पड़ता है। आमिर बेटा मेरे पास दो अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, तुम कल तक अपना जवाब दे दो, वरना मैं दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लूं। आंटी आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? मैं वादा करता हूं आपसे नौशाबा से मैं शादी करूंगा। मुझे अब वादा नहीं अमल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैंने सोचा तुमसे फोन पर ही बात कर लूं। अच्छा किया बाबा, पता है आज हमारा प्रोग्राम था आपकी तरफ आने का, लेकिन पापा के किसी दोस्त ने डिनर पे इनवाइट कर लिया, बस वहीं जा रहे। हाँ बेटा जरूर जाओ, जरूर जाओ, और जब भी वक्त मिले तो मुझे अपनी शक्ल दिखा देना। बाबा मैं वापसी में आती आपकी तरफ, लेकिन आप जानते हैं ना हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन कल मैं जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है बेटा कल आना, कोई बात नहीं, खुश रहो आबाद रहो। थैंक यू बाबा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर खुद बनाया था तो इतनी सफाइयां पेश करने की क्या जरूरत है? कौन कौन सी गलतफहमियां दूर करोगी तुम मेरी? आ जाओ। भाभी मैं ये कह रहा था। क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? अब नहीं कुछ नहीं। भाभी
बाबा जान की वजह से अपसेट है? नहीं शहीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता, आपने उस दिन इतनी मेहनत से पुलाव पकाया, उन्होंने जरा तारीफ नहीं की। पता नहीं आजकल उनका मूड ज्यादा ऑफ रहेगा। अरे नहीं, मैंने उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना शहीर। भाभी मैं आपका छोटा भाई भी हूँ और दोस्त भी हूँ, तो दोस्तों से दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं। जब कुछ शेयर करने के लिए होगा तो शेयर करूंगी ना शहीर। मुझे पता है कि बाबा जान का रवैया मुनासिब नहीं है आपके साथ, कभी कभी ज्यादा ज्यादती कर जाते हैं, आप कहीं ना कहीं मुझे एहसास है। अभी आप रोए तो नहीं, आप रोती है मुझे बहुत तकलीफ होती है, प्लीज। आप तो इतनी बहादुर हैं, रोना बंद करें बस। अभी क्या हो रहा है ये? भाईजान तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे? भाभी परेशान थी, समझाने आए थे। अच्छा, बहुत समझदार हो गए हो, अब अपने से बड़ों को भी तुम समझाओगे? भाईजान मैं बस ये नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि तुम जो इन्हें समझा रहे थे, अपनी भाभी को, वो अपने भाई को भी समझाओ ना। कितनी अकलमंदी की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको? क्या मतलब क्या हो गया? तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम मुझे बताओ। गमों का ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर जो तुम ये हमदर्दियां बटोर रही हो? सर मैंने तो उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। तुमने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था यहाँ पर, लेकिन सब कुछ पूछने की इजाजत तो तुम ही ने उसको दी होगी ना। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसी मैंने देखी। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, तुम आज के लिए क्या करती फिर रही हो मैं देख रहा हूँ। अवल तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, तुम उसके सामने मजलूम बन रही होगी तो तभी उसने पूछा ना तुमसे ये सब, और अगर कुछ शेयर करना ही था तो मुझसे करती ना, उससे क्यों कर रही थी? मर गया था मैं? छोड़ो यार, तुमसे तो करना बेकार। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, मेरे पास दो अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। तुम कल तक अपना जवाब दे दो, वरना मैं दोनों में से किसी एक का इंतखाब करूंगी। मुझे अब वादा नहीं, अमल चाहिए। क्या करूं, कैसे बात करूं मम्मी से? वो तो किसी भी सूरत राजी नहीं है मेरी शादी के लिए। जब तक तेरी बहनों की शादी नहीं होती ना, मैं तेरी शादी नहीं करने वाली। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। हाँ समीर बोल। हाँ हाँ वो ईमेल मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं काम सारा हो गया उस पर। ठीक है ठीक है, ओके ओके बाय। हाँ सर बोलो। आप मुझसे नाराज क्यों, आखिर वजह तो बता दें। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, एक तो ये कि मैं सारे दिन के बाद वापस घर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, और दूसरा भी मैं काम करूँ। सर प्लीज मुझे इस तरह इग्नोर ना करें। तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा,
मैंने सुबह भी ऑफिस जल्दी जाना है इसलिए अब सोने लगा हूं। बेहतर है तुम भी सो जाओ, बात समझ जाओ मेरी। सोने से पहले अपना लैंप भी ऑफ कर दे। हानिया आज हफ्तावार सफाई का दिन है, ठीक है? नाश्ता करके सफाई कर लेना और उसके बाद दोपहर की हांडी चढ़ा देना, और ख्याल रहे सालन जल लेना पाए। जी बाबा। सारी बेडशीटें भी आज चेंज होंगी और क्यारियों की सफाई भी होगी। फिर सारे कपड़े जमा करके लॉन्ड्री में रख देना और सुबह सुबह उठकर मशीन लगा देना। बाबा जान नाश्ता तो करने दें भाभी को, फिर दे दीजिएगा हिदायत। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? मुझे अभी निकलना है, रैकी के लिए जाना है मार्केट, और कर लेगी नाश्ता, मेहमान थोड़ी है इस घर में। ये तुम आजकल घर के मसाइल में कुछ ज्यादा नहीं बोलना शुरू हो गए? बाबा के मामला थे, उन्हें देख लेने दो। और वैसे भी घर के काम काज अगर हानिया नहीं करेगी तो कौन करेगा? नॉट फेयर भाईजान, अकेले काम करती है पूरा दिन, बाबा जाने नजीरा को भी निकाल दिया। मैंने कहा दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आज़र नाश्ता तो खत्म कर जाए। लड़की बहुत प्यारी है, बहुत पैसे वाली भी है, दौलतमंद। घर में सिर्फ अम्मी है उसकी, वो भी बीमार है। मेरा दोस्त शकूर है ना, शकूर, उसके पड़ोस में रहती है। मतलब वो भी यही मुझसे कह रहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मतलब टाइम मत लगाओ वरना देर हो जाएगी। वो तो ये कह रहा था कि मतलब अगर मैं नहीं कर रहा तो वो कर लेगा। आप सुन रही है ना बेटा जी, पिछले घंटे से मैं और क्या कर रही हूँ। हाँ तो मतलब कब कब चलना है? ठीक है चलेंगे। ठीक है, नहीं मतलब वो क्या है कि आज ना मैंने छुट्टी ली है, टाइम है मेरे पास, चलते हैं आज, चलते हैं। आमिर तू हथेली पे सरसों क्यों जमा रहा है? सबर कर ले ना, एक तो मैं मान गई हूँ तो चले जाएंगे एक दो हफ्ते में, क्या जल्दी है? देख आमिर तू मेरी बात सुन, तू जानता है ना इस वक्त अगले 4 साल के लिए तो तेरी शादी का कोई प्लान नहीं है। अब मैं कह रही हूं ना कि अगर तू कह रहा है कि अच्छी लड़की है, मालदार है, तो जाकर देख लूंगी, अगर पसंद आ गई, अगर मुझे अच्छी लगी तो मंगनी करवा दूंगी और उन लोगों से 3-4 साल का टाइम ले लूंगी। हैं? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पे सवार है, ठीक है? बाद में कभी इंशाल्लाह हूं ना भाई। जरा किचन में देखो, टिंडे बना रही हूं। नाजी, नूरी, नूरी मेरे साथ आ। हानिया आज हफ्तावार सफाई का दिन है, ठीक है? नाश्ता करके सफाई कर लेना और उसके बाद दोपहर की हांडी चढ़ा देना, और ख्याल रहे सालन जल लेना पाए। सारी बेडशीटें भी चेंज होंगी आज, और क्यारियों की सफाई भी आज ही होगी। भाभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शहीर खाना तैयार है, तुम रोटियां ले आओ और खाना खा के जाओ। मैं नहीं, भूख नहीं लग रही, ऑफिस में कुछ खा लूंगा। चले। अच्छा वो बेडशीट्स बदल दी और डस्टिंग भी कर दी। तुमने क्यों किया है शहीर?
क्यों? आपके आने से पहले बाबा जान के साथ मैं ही किया करता था ये सब काम, अब आपके साथ क्यों नहीं कर सकता? शही, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। भाभी आप फिक्र ना करें, बाबा जान को पता ही नहीं चलेगा। मुझे अंदाजा है कि आप जिस्मानी और जहनी तौर पर कितनी थक चुकी हैं। जिस्मानी थकन तो दूर हो जाती है दवाइयों से, जहनी थकन नहीं होती। पर पता है जरूरी बात क्या है? कि आप मायूस ना हो। पता है आपकी मोहब्बत, खुलूस और लगन एक दिन बाबा जान को एहसास जरूर दिलाएगी, मौसूलों के जिस खोल में बंद है ना उससे निकल आएंगे, तब आपकी कदर कीमत का अंदाजा होगा उन्हें। भाभी लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी ना यार। और जहां तक भाई जान की बात है तो वो हैं थोड़े गुस्से के तेज, थोड़े जज्बाती हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। अब देखिएगा शाम में सॉरी जरूर बोलेंगे आप। चलो अल्लाह हाफिज़। बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने नाजी, हमारा काम आसान हो गया। चिंगाड़ी भड़क उठी है, बस मजीद हवा देनी और उसके लिए हम तैयार हैं। अम्मी यही तरीका बिल्कुल ठीक है, हम इसी बदगुमानी को बढ़ा चढ़ा कर आज़र भाई और तायबू के सामने पेश करेंगे ताकि वो हानिया भाभी के खिलाफ हो जाए, वरना ये बेचारी नाजी वहां काम कर करके ही बीमार पड़ जाएगी। सही कह रही है अम्मी, मैं वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ, रोजाना सालन बनाओ, गरम गरम रोटियां पेश करो, मुझसे नहीं होता अब ये। थोड़ा सा सबर कर ले नाजी, अंसिल बहुत करीब आ गई है, बस ये हानिया और शहीर की कहानी को पक्का बनाना। तो बेटा ये बताओ कि हाजरा और हैदर कैसे? बिल्कुल ठीक है बाबा, आपको सलाम कह रहे थे। शेजीन, थैंक यू बाबी। बाबा चाय बनाओ या कॉफी? बेटा से पूछो क्या पियोगे बेटा? बाबा कॉफी पी लेते हैं, हम आज भी आने वाले, उनको पसंद भी है। ठीक है मेरे लिए भी बनाना, मैं भी पीऊंगा कॉफी। ठीक है फिर मैं बनाती हूँ सबके लिए। नहीं बेटा तुम क्यों बनाओगी, चार दिन हुए अभी तुम्हारी शादी को, तुम क्यों जाओगी किचन में? हानिया बनाएगी। बेटा अच्छी कॉफी बनाना, तुम्हारा भाई भी आ रहा है, है? जी। जाओ शाबाश। अच्छा शहजीन बेटा तुम वहां उस घर में खुश तो हो ना? बाबा मैं बहुत खुश हूँ, आप जानते हैं मम्मी मुझे उठ के पानी तक नहीं पीने देती। वाह। कहती है तुम्हारे हाथ की मेहंदी तक नहीं उतरी और तुम किचन में आ गई, कोई जरूरत नहीं ये काम करने की, पहले खीर पकाई की रस्म हो जाए फिर कुछ कर लेना। तुम खीर पकाओगी? नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं है खीर वीर पकाने की, खुदा ना खास्ता कोई हाथ जला लोगी तुम, अभी नहीं बिल्कुल थोड़े दिन बाद, अभी नहीं। बाबा आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना, देखें अभी मैं और हम्माद बाहर घूमने जा रहे हैं एक महीने के लिए, फिर वापस आएंगे तो देखा जाएगा, और वैसे भी मम्मी कह रही थी कि तुम्हें खीर पकाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम चमचा चला देना वो पूरी खीर बना देंगे। ये ठीक है सिर्फ चम्मच चलाना हाँ, क्योंकि देखो तुम्हारे हाथ कितने नाजुक हैं और मैंने अपनी शहजादी को शहजादियों की तरह पाला है, वो किचन में काम थोड़ी करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ आओ, जीते रहो। कैसे हैं अंकल, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो बेटा? बिल्कुल ठीक। काम काज कैसा चल रहा? काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस एक महीने की वेकेशन लेके हम जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज। हाँ हाँ जरूर जाओ, खूब एंजॉय करना, लेकिन मेरी शहजादी का ख्याल रखना खास है। आप बेफिक्र हैं, मैं ख्याल रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू भाभी। हानिया ठीक है तुम्हारी? जी भाई मैं ठीक हूँ। अरे हम्माद बेटा अब तुम ही समझाओ उसे, लाख मना करता हूँ मैं इसको काम करने से, लेकिन मानती नहीं, आज सारा दिन इसने पूरे घर की सफाई की है इसलिए थक गई है। हानिया बेटा तुम कॉफी पी के आराम कर लेना, ये बर्तन वगैरह मैं धो के रख दूंगा। जी एक्चुअली
घर में तो आज तक उसने एक कप चाय तक नहीं बनाया, सर्वेंट्स थे ये सब काम करने के लिए। आई थिंक यू शुड रेस्ट, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली हमारे घर की लाडली थी, स्पेशली मेरी और बाबा की, बाबा इसे कोई काम नहीं करने देते और मामा कहती थी कि ससुराल जाके क्या करोगी तुम, तो बाबा कहते थे कि हमारी बेटी रानी बन के राज करेगी। तो बेटा यहाँ भी ये रानी है इस घर की, राज कर रही है। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुम, सीख गई कॉफी बनाना सीख गई। इतनी खूबसूरत लड़की मुझ पर दिलो जान से फिदा है, उसकी माँ भी राजी है शादी के लिए, मगर ये अम्मी, अम्मी तो मेरी शादी करना ही नहीं चाहती, मगर मैं निशो को नहीं खो सकता, हर कीमत पर इसे अपनाऊंगा। हेलो। हेलो आमिर, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है आमिर, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज जल्दी घर आ जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है आमिर। तुम टेंशन मत लो, हाँ कुछ नहीं होगा आंटी को, तुम उधर ही रहो, उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके अम्मी, अम्मी आपको थोड़ी देर में हॉस्पिटल ले जाएंगे, अम्मी आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, अम्मी हॉस्पिटल चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है आप ठीक है ना? हानिया, तुमने चाय के बर्तन तक अभी तक नहीं धोए, किचन वैसे का वैसे ही पड़ा है और तुम जा रही हो तफरी करने, इसीलिए मैं कहता हूं पहले घर संभालना सीखो, बाद में जॉब के बारे में सोचना। बाबा आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, एक्चुअली मम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते किचन से निकली, फिर याद नहीं रहा, आप फिक्र ना करें मैं वापस आके साफ कर दूंगी। वापस आकर नहीं, पहले किचन साफ करो, उसके बाद कहीं जाने आने की सोच लो। क्या हो गया है भाईजान को, पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, भाभी बेचारी इतने जतन करती है मगर ना बाबा जान खुश होते हैं ना भाईजान खुश होते हैं, ज्यादती हो रही है उनके साथ। अच्छा आपकी मेरे बारे में क्या राय है? अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? वो तो डिपेंड करता है, अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। खाना कैसा बना लेती हैं? खाना बनाना तो नहीं आता मगर खा जरूर लेती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आज़र कि मैं आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ, मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। हानिया मेरी बीवी है, घर की मुलाजमा नहीं, कि हम सब मिलकर हर वक्त उस पर हुक्म चलाते रहे, बाबा के उसूल अपनी जगह, उन्हें मैं रोक नहीं सकता लेकिन हानिया को सपोर्ट तो कर सकता हूं ना। हर जाहिर जिसने कभी घर का कोई काम ना किया हो, जब उस पर सारे घर का बोझ डाल दिया जाएगा तो उसका हाल तो यही होगा। क्या हुआ सर? सोचो
मुझे हानिया को समझाना होगा, लेकिन बहुत प्यार से। आंटी आप क्यों जिद कर रही हैं? आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चले ना, आप ठीक हो जाएंगी। मेरा वक्त तो बहुत हो चुका है, अस्पताल जाने का कोई फायदा नहीं है। बस मेरी सांसें नशा में बैठ गई है, तो मेरी बेटी को अपना लो, तो इसे अपना लोगे तो मेरा तो आसानी से निकल जाएगा। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, अम्मी प्लीज मेरी फिक्र मत करें, और आमिर पर भी आपको जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज अम्मी, प्लीज अस्पताल चले अम्मी, अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। प्लीज हमारे साथ अस्पताल चले अम्मी, प्लीज अस्पताल चले। कैसे फिक्र ना करूं आमिर बेटा, ये मेरा खुला सासा है, मेरे पास इसका कुछ नहीं है, तुम इसे अपना लो, वादा करो, वादा करो, वादा करो तुम इसे अपनाओगे, वादा करो मुझसे, तुम अपना लो मेरी बेटी को, ताकि मैं आसानी से मर जाऊं, तुम इसे अपना लो। अम्मी प्लीज चुप हो जाए अम्मी, मैं कह रही हूँ ना आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्लीज हॉस्पिटल चलें, चलें इस तरह मत बोले अम्मी। आंटी नौशाबा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हॉस्पिटल चलें। तो बस वादा करो, वादा करो, वादा करो मेरी आखिर ख्वाहिश पूरी करोगे, वादा करो तो उसको अपनाओगे। मैं नौशाबा से निकाह करने के लिए तैयार हूँ आंटी। मामा मुझे हानिया की बहुत फिक्र हो रही है, सीरियसली शक्ल से बहुत बीमार लग रही थी। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मेरा ख्याल वेदर चेंज हो रहा है ना, इस वजह से सुस्त हो रही होगी। मामा कोई गलत फहमी नहीं, आपको सच कह रहा हूँ। अंकल ने खुद कहा है कि उस दिन पूरे घर की सफाई हानिया ने खुद की। जस्ट इमेजिन, हानिया सारे घर की सफाई, वो भी अकेले। सफाई के लिए तो उनके पास मेड है, मेरे ख्याल उसने डस्टिंग वगैरह की होगी, और ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ लॉन में प्लांट्स को देख लेती थी, बस वही काम जो घर में करती थी। मामा किचन के काम तो ऑलरेडी कर रही है ना, मैं जब भी वहां गया उसको मैंने हमेशा किचन में ही देखा, सीरियसली। वो शादी के बाद तो सभी काम करते हैं, और हॉबी होती है लड़कियों की कुकिंग करना, तो हो सकता है जब तुम गए हो तो वो उस वक्त कुछ ना कुछ पका रही हो। तो फिर भी आई थिंक आपको वहां जाके ना उससे मिलना चाहिए, शी विल बी हैप्पी टू सी यू। और मामा मुझे शादी से पहले ही ऐसा लग रहा था कि उनके घर का माहौल हमारे घर के माहौल से बहुत डिफरेंट है, पता नहीं हानिया एडजस्ट हो पाएगी या नहीं। नहीं नहीं बेटा, भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, और हानिया, हानिया को तो वो इतने अरमानों से ब्याह कर लेकर गए, वो यकीनन उसका बहुत ख्याल रखते होंगे। I don't know, मैंने जो देखा मैंने आपको वो बताऊंगा। Let's hope that she is happy and she will stay happy, inshallah. मात के खदशात बेबुनियाद नहीं, मुझे बाबा से बात करनी ही होगी, वापस आते ही जाऊंगी वहां। आनिया, आनिया उठ जाओ यार, देर हो रही है, चाय चाहिए मुझे। हाँ सर, यार सर बहुत दर्द कर रहा है। क्यों, क्या हुआ?
सर में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम सारी रात बुखार में तड़पती रही और तुमने मुझे जगाया तक नहीं। अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और तुम्हें मेडिसिन दे के ऑफिस जाता हूँ। यहाँ से उठने की जरूरत नहीं है हानिया, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, प्लीज लेट ही रहो। शहीर, मैं हानिया को नाश्ता करवा दूंगा, दवाई भी खिला दूंगा, तुम देख लेना उसको, जरा रेस्ट करे वो। जी जी भाईजान, देख लूंगा, डोंट वरी। और वैसे भी नाइट शिफ्ट है, पूरा दिन घर पे ही हूं तो हो जाएगा सब। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वरना मैं कैंसिल करवा देता, तो शाम में जल्दी आ जाऊंगा। भाईजान कह रहा हूं ना, देख लूंगा। अरे तुम दोनों यहां किचन में क्या कर रहे हो? बेमोल वफा।